जैसे ही गर्मी आती है सभी लोग पहाड़ों की बात करते हैं, पहाड़ों पर जाने की तैयारी में लग जाते हैं। ये जानने के लिए मैं भी निकल गया पहाड़ों की ओर, लेकिन मेरे मन में एक डर था कि मैं वो ट्रैक तो कभी मत आना पूरा कर भी पाऊंगा या नहीं। 200 मीटर बचा हुआ है। क्योंकि करीब 6 साल हो गए हैं मुझे स्पोर्ट्स से दूर हुए और उसके बाद आज तक मैंने कभी भी ट्रैकिंग नहीं की है। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम मोहम्मद यूसुफ, जिसे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। अगर आपको भी ट्रैवलिंग करना पसंद है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बरेली से 4 घंटे की राइड करने के बाद हम पहुंचे हैं चंपावत के सिटी व्यू पॉइंट पर। ये व्यू पॉइंट चंपावत से मात्र 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और यहाँ से लोहाघाट करीब 7 किलोमीटर और पिथौरागढ़ यहाँ से मात्र 70 किलोमीटर रह जाता है। 4 घंटे की बाइक राइडिंग बहुत लंबा टाइम होता है। जैसे जैसे दिन ढल रहा था हमारी टेंशन और बढ़ने लगी, क्योंकि हमने कोई भी रूम की बुकिंग पहले से नहीं की थी। चंपावत में ना रुककर हमने सोचा लोहाघाट में स्टे किया जाए, जहां से पिथौरागढ़ बहुत करीब रह जाएगा। बहुत अच्छी जगह है, यहां पर आकर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने यहां आकर गलती कर दी। अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी चंपावत नहीं आए तो ज़रूर आएँ। इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको चंपावत मार्केट से लेफ्ट टर्न लेना होगा, जो कि आपको पिथौरागढ़ वाले रोड पर ले जाएगा। यहां से पिथौरागढ़, जैसे मैंने आपको बता दिया है, करीब 70 किलोमीटर है और यहां से लोहाघाट मात्र 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो हम लोहाघाट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ पर एक फोर्ट को कवर करना है जो बेहद ही खूबसूरत है। आगे आपको वीडियो में मिल जाएगा। लोहाघाट में हमने रुकने के लिए इसलिए चुना क्योंकि जहां हमें ट्रैकिंग करनी थी वो जगह लोहाघाट में है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बानासुर फोर्ट की। चंपावत में हमने होटल नहीं लिया, हमारे पास थोड़ा टाइम था तो हम उससे 12 किलोमीटर आगे लोहाघाट आ गए। यहां पर हमने रूम लिया है, अभी मैं आपको रूम दिखा दूंगा। बहुत ही डिसेंट रूम है और उसके प्राइस भी बताऊंगा। फिलहाल हम जा रहे हैं मार्केट में कुछ खाना खाने, उसके बाद रेस्ट करेंगे और तभी मैं आपको रूम दिखाऊंगा। काफी देर घूमने के बाद हमने एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और ऑर्डर किया है हमने दाल फ्राई। कुछ ये है हमारा रूम और यहाँ पे मात्र 500 रुपए में हमें ये रूम मिल गया है। हम 2 लोग हैं, आप लोगों से ये 1000 रुपये, 800 रुपये, 1500 रुपये चार्ज बोलेंगे। अगर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं तो आप बार्गेनिंग ज़रूर करें और आपको बहुत कम में ये रूम मिल जाएगा। रात के बज रहे हैं 9:15 और हम खाना खाने के बाद अपने रूम में आ गए हैं। बहुत थके हुए हैं जैसा आप देख सकते हैं वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, बाय। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम अपने रूम से निकलकर कुछ यूँ नज़ारा देख रहे हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट हैं जो हमें कवर करने हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे पिथौरागढ़ के लिए। बहुत ही प्यारी जगह है ये, खूबसूरत नज़ारे। आप आए तो चंपावत से ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप लोहाघाट में रुके, क्योंकि यहाँ पे जो होटल के प्राइस हैं वो काफ़ी बजट में है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और धूप बहुत तेज़ है यहाँ पे, लेकिन मौसम में नमी है। टेम्परेचर करीब 23 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पर। जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ का टेम्परेचर अभी करंट में 2 डिग्री है और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि 2 डिग्री में बहुत ज़्यादा ठंड है या फिर एटमॉस्फेयर बहुत गर्म हो चुका है। पानी कैसा था? बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, लग रहा है 3 डिग्री पानी का टेम्परेचर होगा। बहुत ज़्यादा ही ठंड है यहाँ तो, आगे आगे देखो कितनी ठंड पड़ती है। मजा आया नहाने में? हाँ बहुत। 8:15 बजे हम तैयार हो चुके हैं, अब हम चेक इन कर रहे हैं अपने रूम से।
लोहा घाट के हम हैं कोलीडेक लेक व्यू पॉइंट पे। यहाँ से ये जो नज़ारा है ट्रैक करके जाएंगे नीचे, बाइक भी जाती है, उसके बाद आपको नज़ारा दिखाते हैं। हम हैं कोलीडेक लेक व्यू पॉइंट पे लोहा घाट के। इससे आगे बाइक नहीं आएगी, हमें पैदल ही ट्रैक करना पड़ेगा। अक्सर लोग नैनीताल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ऐसी जगहों को अंडररेटेड रखते हैं और नहीं पता होता उन्हें कि ये जगह उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लेक बहुत छोटी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बोटिंग के करीब जा रहे हैं, यहाँ पर बोटिंग भी होती है। बड़ी खतरनाक जगह है। हम हैं लोहा घाट के बोटिंग पॉइंट पर और यहाँ पे जो बोटिंग की कॉस्ट है वो दो लोगों की 200 रुपये, तीन लोगों की 400 और चार लोगों की भी 400 रुपये है, जो कि नैनीताल से काफ़ी कम है। यहाँ पे बोट जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है नैनीताल की बोट से। लोहा घाट से मात्र 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है ये। अगर आप पैदल भी आएंगे तब भी यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आना आपके पैसे वसूल करा देगा। ये वही लेक है जो अभी हम जहाँ पे खड़े हुए थे। अभी हम जा रहे हैं बानासुर फोर्ट की तरफ। लोहा घाट से करीब 6.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है ये फोर्ट। करीब करीब 1 किलोमीटर की चढ़ाई करनी है हमें और उसके बाद हम पहुंचेंगे बानासुर फोर्ट। बानासुर फोर्ट पे आओ तो मैप ऑन रखना या फिर किसी से कंफर्म पूछ लेना। करीब 10 मिनट हमने दूसरे रास्ते पे ट्रैक किया जो कि गलत था। अब हम सही रास्ते पर हैं। वो जो लाल हट दिख रही है आपको, वहाँ से ट्रैक करना हमने शुरू किया था और अभी वो टॉप पे जाना है। फ़ोन में आपको नहीं दिख रहा होगा पर एकदम से खड़ी चढ़ाई है, करीब 45 या 50 डिग्री का एंगल। आपको गाड़ियाँ दिख रही हैं, वहाँ से ट्रैक कर रहे हैं हम। बहुत खड़ी चढ़ाई है, अगर आपको सांस की दिक्कत है तो कभी मत आना। अब हमारी हिम्मत जवाब दे रही है, अभी भी हम आधा ही आए हैं। अब वो टाइम था जब मुझे लग रहा था कि हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन दिल ने कहा थोड़ा और, थोड़ा और। अगर आपने कभी भी लाइफ में ट्रैक नहीं किया है तो कोशिश करिएगा इससे बचें या फिर थोड़ा रुक कर ही आएं। अगर आप सच में एडवेंचर लवर हैं तभी आप यहाँ आएं, अदरवाइज ना आएं। अभी भी करीब 200 मीटर बचा हुआ है, बहुत थक गए हैं। ये बैग जो है ये सरदर्द बन गया। लोहा घाट से करीब 6.5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद आपको मिलता है ये बानासुर फोर्ट का गेट। उसके बाद आपको करीब 1 किलोमीटर की चढ़ाई करनी है ऊपर की साइड, तब आप पहुंचेंगे बानासुर फोर्ट। अगर आप एडवेंचर लवर हैं तभी आप यहां पर आएं, अदरवाइज आप यहां पर ना आएं। बानासुर फोर्ट में देखने के लिए तो कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन यहाँ से जब आप सिटी का व्यू पॉइंट देखते हैं, सिटी को देखते हैं, तो आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं।
बनासुर फोर्ट पर सभी कुछ खंडर हो चुका है। यहाँ पे रेनोवेशन बिल्कुल भी नहीं किया गया है, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोग आते ही नहीं है और ये जगह अंडररेटेड है। अगर यहाँ पे कुछ लोग आए तो शायद ये इसको रेनोवेट कर देंगे। और अगर आप सांस के मरीज हैं तो कभी भी आप बनासुर फोर्ट ना आए, क्योंकि रास्ते में आपको ना तो पानी मिलेगा और ना ही कुछ खाने पीने की चीजें। बनासुर फोर्ट पे पहुंचने के बाद भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप पानी की बोतल अपने साथ लेकर आए और कोशिश करें अगर आपको तकलीफ होती है ट्रैक करने में तो बिल्कुल भी ना आए। गाइस, आप लोगों को दिख रहा है ये लोग ट्रैक करके आ रहे हैं। अब इन्हें कौन बताए ये जो ट्रैक करके आ रहे हैं ये इसलिए आ रहे हैं ये खंडर जगह देख सके। अभिषेक इधर देखो, मजा आया? नहीं, दोबारा आना चाहोगे? बिल्कुल नहीं।